नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं हमारा जो नया एटीएम कार्ड है वो हमारे पास पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूं कि नया एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है। और दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना, अगर आप नया पिन बनाने जा रहे हैं, नए एटीएम का पिन जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही मशीन में जाकर अपने पिन को बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आपका स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड यानी एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो आपको फर्स्ट टाइम यानी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसबीआई एटीएम मशीन में जाना है। जाने के बाद तब अपना वहां पे पिन को बना सकते हैं। और पिन बनाने से पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपके पास आपका जो अकाउंट नंबर होगा एसबीआई अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर को लेके जाना है। और आपका बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल को लेकर जाना साथ में, क्योंकि उस पर एक ओटीपी को सेंड किया था, तो उसी ओटीपी को लेकर आप अपना जनरेट करेंगे यानी अपना एटीएम कार्ड का नया पिन बनाएंगे। तो यहां पर आपको अपना आपका जो अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर को और आपका बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को लेकर जाना है, और जाने के बाद पिन जनरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं एसबीआई एटीएम मशीन में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एसबीआई एटीएम मशीन में पहुंच चुका हूँ। एटीएम मशीन में पहुंचने के बाद सिंपली क्या करना है, अपना एटीएम कार्ड को इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं चीप वाला जो पर्सन है इसको आगे की तरफ रखना है, यहाँ पे आप देखेंगे गौर से इस तरह से रखना है। उसके बाद आपका जो एटीएम मशीन के अंदर अपना एटीएम कार्ड को यहाँ पे डालना है, इंसर्ट करना। तो चलिए अपना एटीएम कार्ड को इस मशीन के अंदर डाल लेता हूँ। डालने के बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, प्लीज डू नॉट रिमूव योर कार्ड, यानी अपना कार्ड को एटीएम कार्ड को तब तक नहीं निकालना जब तक अपना पिन को यहाँ पे आप जनरेट नहीं कर ले, इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिन जनरेशन, बस क्या करना सिंपली आपको इस पिन जनरेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर अकाउंट नंबर, आपका जो एसबीआई अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रेस इफ करेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे प्रेस इफ करेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। आपको वही मोबाइल नंबर फिलअप करना जो आपके अकाउंट से लिंक हो। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रेस इफ करेक्ट, बस क्या करेंगे प्रेस इफ करेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड प्लीज वेट, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है, यहाँ पे आपको स्किप वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस तरह से इंटरफेस, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड, यहाँ देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा गाइस, अपना एटीएम कार्ड को अपने बाहर निकालना, यहाँ पे क्या करेंगे अपना एटीएम कार्ड को इससे बाहर निकालने के बाद आपका जो नंबर होगा मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं मेरे यहां पे ओटीपी आ चुका है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे फाइनली मैसेज मिल चुका, और मैसेज में आपको इस तरह से आपको मैसेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में मुझे इस तरह से यहाँ पे मैसेज मिला। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिन फॉर डेबिट कार्ड एंडिंग, यानी आपका यहाँ पे एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यानी लास्ट 4 अंक यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ओटीपी होगा यहाँ पे देखेंगे इज 4613, यानी आपको यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से FOUR SIX ONE THREE, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आप जो टाइप करेंगे वहां पे आपको सिंपली 4613 उस तरह टाइप करेंगे, और यहां पे आपको ओटीपी जो देखने मिलेगा ये आपका ओटीपी होगा, जैसे यहां पे देख सकते हैं 4613, इस तरह से आपका ओटीपी आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टाइप करेंगे आपका ओटीपी यहां पे रहेगा, यहां पे आपका आपका जो एटीएम कार्ड होगा लास्ट 4 डिजिट यहां पे आपका एटीएम कार्ड का नंबर देखने मिलेगा, नंबर के बगल में आपका ओटीपी देखने मिलेगा। यह नंबर आपको टाइप नहीं करना अपना ओटीपी में, ओटीपी में जो होगा आपका यानी आपका लेटर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं 4613। तो इस तरह से मुझे यहां पे मैसेज मिल चुका और ये मेरा जो ओटीपी है 4613, इस ओटीपी को मैं अपना यहां पे आगे भी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। तो गाइज यहाँ पे अपना ओटीपी मिलने के बाद आपका जो नंबर लिंक है बैंक अकाउंट से उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया था, उस ओटीपी को मिलने के बाद क्या करना, फिर से अपना एटीएम कार्ड को इस तरह से पकड़ना, और पकड़ने के बाद क्या करना अपना इस एटीएम कार्ड यानी एटीएम मशीन के अंदर डालना है। तो चलिए अपना एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर से आपको देखने मिलेगा प्लीज डू नॉट रिमूव योर कार्ड, यानी अपना एटीएम कार्ड को तब तक नहीं निकालना जब तक अपना पिन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर से आपको क्या करना है इंग्लिश पे क्लिक करना। तो चलिए इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं। इंग्लिश में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको देखने मिलेगा बैंकिंग, यहां पे आप देखेंगे बैंकिंग लिखा हुआ है, इस बैंकिंग पे क्या करेंगे यहां पे आपको बैंकिंग में क्लिक करना। चलिए बैंकिंग में क्लिक कर देते हैं। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना आपको, यहां पे आपको देखने मिलेगा राइट साइड नीचे देखने मिलेगा पिन चेंज, बस क्या करेंगे सिंपली अपना पिन चेंज में क्लिक करेंगे। पिन चेंज में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 एंड 99, यानी आपको
10 से लेकर 99 के बीच आपको कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको 58 टाइप कर लेता हूँ। 58 टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे देखने में लगा यस, यस में क्या करेंगे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने में लगा प्लीज इंटर योर करंट पिन, यानी करंट पिन गाइस आपको जो ओटीपी मिला होगा आपके नंबर पर, वो ओटीपी को सेंड किया था, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको एक नया पिन बना लेना है अपना एटीएम कार्ड के लिए, यानी आपको 4 डिजिट का यहाँ पे पिन टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट का एटीएम पिन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन टाइप करना है, फिर से आपको देखने मिलेगा प्लीज री इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको जो एटीएम पिन अभी भी टाइप किया है उस पिन को दोबारा फिर से टाइप करना है। यहाँ पे अपना दो बार एटीएम पिन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा योर ट्रांजेक्शन दिस प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे आपका जो एटीएम पिन बना है 4 डिजिट का, यहाँ पे आपका एटीएम पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट, जो आप एटीएम पिन बनाए वो आपका एटीएम पिन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे प्लीज टेक योर कार्ड, यानी अपना एटीएम कार्ड को अपना इससे बाहर निकालना। तो अपना एटीएम कार्ड बाहर निकालने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपका एसबीआई एटीएम कार्ड, यहाँ पे फाइनली आपका एटीएम कार्ड का यहाँ पे पिन बन चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, चेक कर लेना आपका बैलेंस कि आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे फाइनली बना है कि नहीं बना। तो अपना बैलेंस चेक करने के लिए फिर से क्या करना, अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर डालना। तो चलिए मैं अपना इसके अंदर अपना एटीएम कार्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे डालने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद गाइस आपको क्या करना, यहाँ पे देखने मिलेगा प्लीज डू नॉट रिमूव चिप कार्ड, इस तरह से देखने मिलेगा। फिर से अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको बैलेंस चेक करना है। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड का पिन बनने के बाद फिर से क्या करेंगे, अपना इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना बैलेंस को चेक करने क्या करना, सिंपली गाइस यहाँ पे आपको बैंकिंग पे क्लिक करना है। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पे क्या करेंगे बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 10 और 19 के बीच कोई भी नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा था, 52 टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर पिन, यानी आप जो भी पिन बनाए अभी अभी आपने जो एसबीआई एटीएम का पिन बनाया उस पिन को यहाँ पे आपको टाइप करेंगे। चलिए मैं इस पिन को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। पिन टाइप करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा सेविंग्स, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सेविंग्स में क्लिक करेंगे। तो चलिए सेविंग्स क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे योर ट्रांजेक्शन विद प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका बैलेंस शो करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बैलेंस शो करने लगेगा अवेलेबल बैलेंस। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपना एसबीआई एटीएम का पिन बना सकते हैं, यानी अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया हूं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहां पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आपको फर्स्ट टाइम में अपना पिन, जो आपका एटीएम पिन होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को सही तरीके से देख लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।